दिल्ली में फेसबुक पर दोस्ती कर 14 वर्ष की नाबालिग छात्रा का रेप का मामला। छात्रा की अश्लील तस्वीरें भी फेसबुक पर वायरल हुई। लड़की का आरोप, लड़के ने लड़की के नाम से फेक अकाउंट बनाकर फेसबुक पर वायरल की अश्लील तस्वीरें। महिला आयोग की टीम थाना अलीपुर में पहुंची। पुलिस बयान ले रही है, उसके बाद ही होगी आगे की कार्रवाई। अभी तक फर्द दर्ज नहीं, परिजनों का आरोप। 3 दिन से पुलिस फर्द दर्ज न करके बना रही है समझौते का दबाव। 14 साल की नाबालिग लड़की पिछले साल 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। लड़की को एक दो बार बाकनेर गांव का एक लड़का कुणाल अपनी कार में लेकर गया और उसके साथ रेप की वारदात को भी अंजाम दिया। साथ ही लड़की का आरोप है कि लड़के ने जब उसके साथ रेप को अंजाम दिया तो उसके चाचा ने, जो उसी कार में मौजूद थे, उसके अश्लील फोटो भी लिए। इसके बाद लड़की का आरोप है कि अश्लील फोटो वायरल करने का भय दिखाकर यह लड़का लड़की को स्कूल की बजाय अपने साथ ले जाने लगा। आखिरकार लड़की ने परिजनों को बताया कि एक लड़का उसके साथ जबरदस्ती करता है, स्कूल में तंग करता है। लेकिन रेप की बात लड़की ने शर्म लिहाज के डर से परिजनों को नहीं बताई। परिजनों ने जब छेड़खानी और इस तरह की जबरदस्ती की कोशिशों का पता चला तो लड़की को अक्टूबर 2017 सेकंड स्कूल से हटा लिया था। इसके बाद भी यह लड़का लगातार परेशान कर रहा था। अब इस पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुणाल नाम के इस लड़के ने लड़की की अश्लील फोटो लड़की के नाम से बनाए गए फेक अकाउंट पर डाल दी। एक अकाउंट पर अश्लील तस्वीरें डाली तो कुछ लोगों ने उन पर कमेंट भी किए और लड़की के ओरिजिनल नाम से ही अकाउंट बनाया गया। साथ ही लड़की के पिता को भी अश्लील फोटो भेजकर धमकी दी जाने लगी। आखिरकार अब यह पीड़ित परिवार अलीपुर थाना पुलिस के पास आया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि वे 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस का दबाव है कि वह समझौता कर लें। साथ ही पीड़ित परिवार डरा हुआ है कि आरोपी का पिता भी एक नामी वकील है और उसने धमकी दी है कि वह अपने बेटे को बचा लेगा, बल्कि उल्टा उन्हें भी कई केस में फंसा देगा। परिवार डरा और सहमा हुआ है। आखिरकार परिवार ने महिला आयोग का भी सहारा लिया है। जब एरिया के कुछ लोग और महिला आयोग की टीम सब थाने पर इकट्ठा हुए, तब जाकर दिल्ली पुलिस ने इस लड़की के 3 दिन बाद आज बयान दर्ज किए हैं और मेडिकल पुष्टि के लिए अभी अस्पताल ले जाया गया है। रेप का आरोप नरेला के बांकनेर गांव के रहने वाले कुणाल पर है। साथ ही उसके साथ अश्लील फोटो खींचने का आरोप उसके साथ के एक शख्स पर है, जिसे वो चाचा कहते थे, जो उसी गाड़ी में मौजूद थे। फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मामला दर्ज कर अब पुलिस जाँच में जुटी है। अगस्त 2018 दिन रविवार को सुबह 8 बजे पता चलता है कि एक लड़की, जिसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, और वो 14 साल की बच्ची है, जिसके साथ कार के अंदर रेप हुआ 4 महीने पहले। हाँ, और उसके लड़के ने उसके साथ गैंग रेप कह सकते हैं हम उसे, क्योंकि उसके साथ उस लड़के का चाचा भी था। और वो जो लड़का है वो एक वकील, जो नामी वकील है हमारे यहाँ नरेला क्षेत्र के अंदर, वो उसका बेटा है। और उसने उस लड़की के साथ रेप किया, उसकी वीडियो और फोटोज़ वायरल करने शुरू करे। जब उस लड़की को इसका पता चला कि उसकी वीडियो वायरल हो रही है, तो वो 15 अगस्त को थाने आई थी और थाने में वो कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए आई थी कि मेरी कंप्लेंट दर्ज की जाए और उस लड़के को सजा होनी चाहिए। और वो लड़की इतनी गरीब है परिवार से, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है, उसकी माँ को पैरालाइजिस है, मानसिक रोगी है, वो उठ बैठ भी नहीं सकती, कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती, इवन खाना भी अपने आप नहीं खा सकती है। तो माँ की हालत ऐसी, पिता थाने में आप लोग जब वो थाने में 15 अगस्त को आई थी तो सुबह 10 बजे यहाँ पर आई थी, 100 नंबर कॉल हुई थी, उन्होंने बोला कि आप थाने आ जाओ। ये थाने आए, थाने में बैठे रहे बैठे रहे, तो जो आईओ है, जो रेप की यहाँ पे थाने के अंदर आईओ होती है, नाम है उनका लेडीज का, आईओ का, तो उन्होंने इसको मतलब वो करा कि जयवती, हाँ, कि अगर तुम क्या कहते केस को आगे बढ़ाओगी तो तुम्हारा भाई फंस जाएगा, तुम्हारे पापा को वो कर देंगे, तुम केस नहीं लड़ सकती हो, केस को वापस लो। और जो वो जो वकील थे, जिसके लड़के ने मतलब ऐसा गलत काम किया, उसने इनको धमकाया कि मैं तुम्हारी लड़की को जेल करा के रहूंगा और इस लड़की को 4 साल जेल जाना पड़ेगा। परिवार को इतना डरा धमका दिया, बल्कि 20-25 लोग उन्होंने बदमाश टाइप के कुछ लोग क्या कहते उस लड़की के मामा के घर भेजे धमकाने के लिए कि तुम ये केस वापस ले लो, नहीं तो क्या कहते हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो पुलिस ने यहाँ पर अपना कार्रवाई नहीं करी और इनको पूरे दिन बिठा कर रखा, दोपहर बिठा के रखा, रात बिठा के रखा, और रात को 3 बजे कहते हैं अब तुम अपने घर जाओ और कोई कार्रवाई नहीं करनी है, ठीक है, तुम लड़की हो, लड़की बनकर के चुपचाप से घर चली जाओ, तुम ना तो पैसे खर्च कर सकती हो। और लेडीज पुलिस ने मतलब इस तरीके से लड़की को, लेडीज पुलिस का शब्द लड़की के लिए था कि तुम अगर एक व्यक्ति के पास जाती हो तो कितने पैसे लेती हो, एक महिला होने